बाबूजान बाबूजान, वो लड़की जो उस दिन हमारे चुंगल से बचकर भाग गई थी पूजा, वो मेरे भैया के कब्जे में है और वो उसे प्यार भी करने लगे हैं। फिर वो मुझे जरूर पहचान लेगी और मैं उसे बच नहीं पाऊंगा। और भैया भैया तो मुझे जान से मार डालेंगे। तुम कुछ करो बाबूजान, तुम उसे जान से मार डालो, उसे मार डालो बाबूजान, वरना मैं मर जाऊंगा बाबूजान। जेनी, ये बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम इसे मरवा दो वरना भैया मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बाबूजान याद रख, रावण की मौत नहीं होती अगर उसका छोटा भाई नहीं होता। पूजा कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूँ, भैया ने उसे कहाँ रखा है। हेलो सर, मैं हवलदार रमन्ना बोल रहा हूँ। कुछ गुंडों ने उस घर पर हमला कर दिया है जहाँ आपने पूजा जी को रखा है। आप जल्दी आ जाइए। सिद्धांत, ऑपरेशन कामयाब हो गया लेकिन सर पर गहरा जख्म लगने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इंस्पेक्टर सिद्धांत, आपका डिपार्टमेंट मुजरिमों के खिलाफ गवाह तो तैयार कर लेता है लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर पाता। मैंने उसके लिए दो गार्ड दिए थे डॉक्टर। वो गुंडों को नहीं रोक पाए तो गलती उनकी थी या आपके डिपार्टमेंट की? और फिर सजा किसको मिली, किसको मिली सजा? चूंकि पूजा स्टेज की आर्टिस्ट थी इसलिए पहले से मैं उसको जानता था। माँ बाप तो है नहीं, पहले से उसकी जिंदगी वीरान थी, अब तो उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। कुछ लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और दुश्मन दुश्मन तो उसे मार ही डालेगा। फिर आगे उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा? किसी के भी जिम्मेदार होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि वो बर्बाद ही नहीं होगी। वो तुम्हें देख नहीं पाएगी, अंधी हो चुकी है। ये है मेरी आया माँ। माँ के मरने के बाद इन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। चुक चुक, आज से आप मेरी माँ भी हो गई। आओ, ये है मेरे बाबूजी। सुखी रहो बच्चों। आओ तुम्हें मैं अपनी बहन से मिलाता हूं। बिंदिया,
ये है मेरी छोटी बहना बिंदिया भाभी। ए तू इधर क्यों खड़ा है? इधर आ पूजा, ये मेरा इकलौता भाई। कितने भोले भाले लगते हैं। एक एक थोड़ी, पहले छह आना चाहिए। एक गया। अरे सुनो, कोई बकरा आ रहा है, जा तू। मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम, आप नहीं चुराई होगी। क्या मतलब, मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है? हाँ। क्या ये कहाँ से आई? घड़ी दीजिए मेरी। मगर इतनी, हाँ लेना यार, घड़ी दीजिए ना। लेना जा। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या है? मिनिस्टर साहब घर में हैं। तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो खड़े रहो, मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में है तुझ में और तुझ में है। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है सर। मेरी एक लड़की है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी की नहीं, मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में? जी। आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था। 105? 100 लिखाई के, 5 सफाई के। सफाई के? अरे कुछ लिखाई नहीं, तो सफाई नहीं हुई यार। तो उसने 5 लाख रुपया भरा तब जाके उसको सीट मिली। तुम्हारे पास 5 लाख रुपया? अभी सीट दिलाता हूँ। सर 5 लाख रुपया तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया तो सीट दिला देता हूँ। सर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं। उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े लत्ते बर्तन सारे बेच दिए जाएं। उन लोगों को भी बेच दिया जाए तो भी 1 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अनाथ आश्रम में रहता है क्या? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? सर 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए। साला अबे 5,000 देगा? मेरी औकात नहीं है। 500 रुपया देगा? तनख्वाह नहीं है मेरी। अबे तो तेरी औकात कितनी है? 5 रुपए की। होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू 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 हट, इसे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मगर मेरा एडमिशन। मैं निकल, तेरी मेरी बच्ची का जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो? हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो, हवलदार पुलिस वाले गिरफ्तार कर लो। बताओ 5 रुपए रिश्वत देता। अरे सिद्धांत कहाँ है? आओ बाबूजी, आओ बेटे, आओ बैठो। सिद्धांत मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों के लिए बहू को लेकर तुम किसी अच्छी जगह पे चले जाओ। ये हुई ना कोई बात, और ये शुभकार आज ही कर डालिए। क्यों भैया, कुछ बोलते ही नहीं है। कैसे बोलेगा, ये तेरी तरह बेवकूफ नहीं है। ये जानता है कि इलेक्शन के हंगामे शुरू हो गए हैं। बाबूजी इलेक्शन में खड़े हैं, कितना काम है यहाँ पर। क्या नंदू, बराबर है ना? इतना काम है तो छोड़ दीजिए बाबूजी, इन्हें काम करने दीजिए। अरे मेरे इलेक्शन की चिंता तुम क्यों कर रहे हो, मैं देख लूंगा। और वैसे भी तुम सरकारी अफसर हो, तुमसे 1 वोट से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। बहू एक से कई सदमों से गुजरी है, जरा बाहर जाएगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा। और तुम ये क्यों नहीं सोचते, नई नई दुल्हन के कुछ अरमान भी तो होते हैं। हाँ, और उन्हें पूरा करना ये भी तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है। शास्त्री जी को लालटेन को आदर्श वर्धन को। Thank you.
आगे चलिए। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। एक हार तो दो ना। अच्छा थोड़ा फूल तो दो। अरे क्या कंजूस लोग यार, मेरी चमचागिरी तो रहेगी, मैं मंत्री जी के हार कहाँ से लेके जाऊँ? अरे मेरा हार कहाँ गया? आपके पास मेरा हार कैसे आया? उड़ के, मेरे पास पैसे नहीं थे ना तो। अब मैं क्या मंत्री जी को पहनाऊंगी? अरे तुम्हारे पास इतनी अच्छी बाएं हैं, बाहों का हार पहनाओगे तो मंत्री जी खुश हो जाएंगे। मैं इस राव हार पहना क्या जाता हूँ? अरे अरे अरे, श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन। आप जिस आदमी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, ये तो नहायत ही बदतमीज आदमी है। मोहतरमा, आज के जमाने में जो बदतमीज बदमाश होता है वही दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करता है। क्यों सर? तुम तो शास्त्री जी के प्यादे हो। हूँ नहीं था। वो भूकंप आने से पहले जानवर कैसे गांव छोड़ के भाग जाते हैं, उसी तरह शास्त्री जी के इलेक्शन आने से पहले ही उनकी नौकरी छोड़ के भाग गया। अभी आपकी शरण में आ गया हूँ। सर इसकी कोई मदद मत कीजिएगा, ये बिल्कुल गद्दार आदमी है। सर जो ईमानदारों से गद्दारी करेगा वो गद्दारों से ईमानदारी करेगा, ये बहुत बड़े झूठे ने कहा है। आदमी दिलचस्प भी हो और चालाक भी। आज से तुम हमारे प्यादे हो। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से मैं इलेक्शन जीत गया, मैं मंत्री बन गया। आपने मुझसे कहा था कि यज्ञ में कुछ भस्म करो, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी वर्दी भस्म कर दी। फिर आपने मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हो उसका इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने बाबू जान और रोजी के गुंडों का इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीत लिया। और ये मंत्री जी की तरफ से आपके हुजूर में 38 लाख का नजर आना। लेकिन मैंने तो 40 दिए थे। 2 लाख का बैग भी लिया ना? 2 लाख आ गया ये? क्या? नहीं, बैग लिया 2 लाख।